2017 में CSDS ने एक सर्वे किया जिसमें यह पता चला कि यंग इंडिया इज होमोफोबिक, ऑर्थोडॉक्स एंड मिसोजिनिस्ट। तो हमने सोचा क्यों ना स्ट्रीट्स पे जाएं और लोगों से पूछें और पता करें कि ये रिपोर्ट कितनी सही है। चले अब भारत स्वच्छ है कि नहीं ये तो डिबेटेबल है, लेकिन होमोफोबिक है कि नहीं ये आज पता चल जाएगा। यार इस पे तो कभी विचार करा ही नहीं है। अच्छा ऐसे समझ ले कि कल को मान ले तेरा दोस्त या तेरा खुद का भाई या बहन आके तेरे से कहता है कि भैया मैं गे हूँ या मैं लेस्बियन हूँ, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या रहेगा उस पर? शायद बेकार। नहीं नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। एक्सेप्ट नहीं करोगे? नहीं। बट यार ये तो बहुत ही तुमने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया, क्यों एक्सेप्ट नहीं करोगे? एक्सेप्ट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं वो चीज़ थिंक ही नहीं कर सकता। थिंक नहीं कर सकता मतलब? थिंक इन द सेंस मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये तो गलत है भाई। ये रिश्ता देखिए कि एक तरह से तो अच्छा ही है। अच्छा जब दोनों का है और वो कह रहे हैं कि पिताजी हमने इनके साथ में हमारी अच्छी जिंदगी कटेगी तो अच्छा ही भाई। चलो ठीक है तुमने चाह रही हो तो कर लो भाई, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ में हैं। प्यार तो लड़की लड़का मतलब लड़का आपस में लड़के से कर सकता, लड़की लड़के से कर सकता, लेकिन सेक्स संबंध तो वो गलत है ना। गलत है क्यों? लड़के से लड़के का क्या मतलब शादी का? लड़की के लड़के से हो सकता लेकिन लड़के लड़के का मतलब तो गलत है ना। लेकिन क्यों गलत है? ऐसा होने से पृथ्वी हिल जाती है। पृथ्वी हिल जाती है बिल्कुल। अगर नर से नर शादी करेगा तो बिल्कुल गलत है। बेबी आई लव यू। नहीं जो बंदा रिलेशनशिप में है उसको खुशी और सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। सेम सेक्स और डिफरेंट सेक्स और डिफरेंट रिलीजन डजंट मैटर, यू शुड बी हैप्पी। डू यू थिंक इंडियंस आर होमोफोब्स? दे आर स्टिल अगेंस्ट। लीगल होने के बाद भी कहते हैं कि क्या हो गया, लीगल हो गया तो रहेंगे तो ऐसे ही, मतलब नेचुरल नहीं हो सकते उनको लेके। लिव इन रिलेशनशिप्स ओके? Yeah, that's absolutely okay to me until and unless both the parties are comfortable who are involved. And it, other than that, it does not matter. Understanding तभी पता चलेगी, क्या पता starting में अब लगा ली girlfriend boyfriend है, दूर दूर से मिलते हैं, अब पता नहीं सारे time कोई साथ रहते हो, थोड़े time से कितना एक दूसरे को जान लेंगे। सही है भाई मेरी तरफ से। हाँ मैं तो रह लूँगा। तू रह लेगा? हाँ कहाँ रहेंगे अभी वो देखो कहाँ रहेंगे घर में लिविंग कर लेगा और क्या यार। मुझे एक्चुअली कुछ आइडिया नहीं है ना ही, इस पर कोई कमेंट ही नहीं है मेरा। मैं ये नहीं कर सकता वैसे लिविंग शिप, क्योंकि मैं उसमें बिलीव करता हूँ कि बस लड़की देखो शादी करो। अभी तक जितने रिस्पॉन्सेज मिले हैं ना उसमें से कुछ रिस्पॉन्सेज ऐसे हैं जिनको सुनकर लग रहा था कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सेज इतने रिफ्रेशिंग हैं कि मज़ा आ गया। बीवी को ना पति की बात माननी चाहिए, हमेशा माननी चाहिए, ये सही बात है? नहीं उसे अपनी बात रखनी चाहिए, अगर कोई बंदा गलत है तो उसे उस बंदी की बात भी सुननी चाहिए यार। उसको मतलब खरीद या वो थोड़ी कर लिया, ओन थोड़ी कर लिया है कि वॉट एवर वो बोलेगा और सब करना। इसका बॉयफ्रेंड सेम यही करता था तो हमने उसको सबक सिखाया। कुछ ज़्यादा ही प्यार में पड़ गई थी तो मुझे लगता था कि यार हाँ ठीक है सही कह रहा है सही कह रहा है इसी के सुनूंगी ये, फिर एंड में मुझे रियलाइज हुआ कि यार अब बहुत हो रहा है। मैंने इन सबसे डिस्कस करा मतलब बहुत कुछ करने के बाद ब्रेकअप सिचुएशन ही सेड कि मैं जो च्युइंगम तुझे मेरे मुंह से निकली हुई है। ऐसा नहीं है कि लड़के बैठ जाओ बात माननी है, बट इट्स लाइक कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाँ तुम ही सही हो, तुम्हारे अलावा किसी और की सुननी नहीं है, जो तुम कहोगे हम वही करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अदर पर्सन आल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड ना दैट व्हाट आर आवर विशेस, व्हाट आर आवर वांट्स, व्हाट आर आवर नीड्स, दैट वी कैन नॉट बी ऑलवेज बाउंडेड टू यू। इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज ओके? तो फैमिली तो अलाउ नहीं करेंगी। फैमिली अलाउ नहीं करेंगी? और मैं खुद उसको चीज़ को मतलब जो चीज़ फैमिली अलाउ नहीं करे तो उस चीज़ में जाने की दंगल वो दलदल में जाने ही क्यों यार। प्यार के ऊपर डिपेंड है, अगर दोनों में एक ही जाति के हैं तो नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब चलता है इस न्यू जनरेशन में। मेरे हिसाब से गलत है।
गलत है। हाँ, बाई कास्ट ही होनी चाहिए, ऊपर से मतलब ऐसा अधिकार बनना चाहिए कि जो बाई कास्ट है उससे कर सकता, अन ब्रदर से प्रतिबंध लगना चाहिए वैसे कायदे से। तो क्यों प्रतिबंध क्यों सर, इतना क्या क्यों सर क्यों? मेरा कहने का मतलब ये है कि एक हिंदू लड़का है, हाँ, मुस्लिम लड़की है, हाँ, उससे शादी करता है, हाँ, तो उसके बच्चों में दिक्कत होगी फिर, क्या भाई तेरे घर में मुसलमानी है? सर सर लेकिन वो सही है आपकी बात, तो कोई जाति नहीं होता इसमें, ये बात नहीं है। लड़का कोई करना चाह रहा है और इच्छा है तो खूब आराम से कर सकता है, ये बात नहीं है। औरत की कोई जात नहीं होती, ये बात हकीकत है। जिसके घर में रहेगी वो ही कहलाएगी कि भाई फला की बीवी है, कोई जात धर्म औरत का नहीं होता, ये बात बिल्कुल राइट है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत तो पैदा होता ही है सर। सोच दिक्कत है, सोच की अपनी दिक्कत है सर, कोई दिक्कत है इसमें कोई नहीं। एक बात सुनो, एक मिनट सुनो, आप आपके बेटे के घर में कोई और आ जाओ तो उसके बच्चों की शादी कैसे होगी? आपका लड़का कह रहा है कि हम उसी से करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? से हिंदू और मुस्लिम की शादी हुई है, मैं अगर वहाँ आऊँगी मैं अपने बच्चों को हक दूंगी कि आप डिसाइड कर, मैं ही शुड सी बोथ द रिलीजन, ओके, देन अल्टीमेटली इट्स हिज चॉइस। रिलीजन इज बेस्ड ऑन योर बिलीव, इट्स बेस्ड ऑन वॉट यू बिलीव, योर आइडियोलॉजीज आउट ऑफ किसी भी भगवान को लेके। अगर अल्लाह ने कुछ बोला है और किसी भगवान ने कुछ बोला है, आपको जिसमें बिलीव है आप उसी को फॉलो करोगे। इट्स नॉट अबाउट कि मैं ये लेके पैदा हुई थी तो मैं यही फॉलो करूँगी। Cool, like yeah, normal. It's nothing like he, वो भी लोग हैं. It's not like a caste के basis पे, we cannot differentiate them. It's completely fine. और parents नहीं माने तो? No, I don't think they'll not say anything. Yeah. Your parents are chill. Yeah, they're chill. They're cool enough. कोई दिक्कत नहीं, राजी कर लूँ घरवालों को कैसे भी करके. कर लेगा. बढ़िया तो रहते. Promise. Promise. Promise कर. प्रॉमिस है, बोल मैं वचन देता हूँ मैं कर लूंगा। कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है, घर बारे में मना ले। गीता पे हाथ रख के कहता हूँ आई। नाउ इस वीडियो में कई ऐसी वॉइसेस थी जो रिग्रेसिव, होमोफोबिक और मिसोजिनिस्ट थी, तो कई यंग वॉइसेस वर प्रोग्रेसिव एंड एक्सेप्टिंग। नाउ एज फार एज चेंज ऑफ माइंडसेट गोज, आई वुड लाइक टू आस्क माय यंग व्यूअर्स, इफ नॉट नाउ देन व्हेन, इफ नॉट अस देन हू।